अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल डॉक्टर अरशद हेल्थ टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर मेडिसिन है होम्योपैथी की, उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करना, पूरी वीडियो देखने से ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। याद रखें, आज की मशहूर ज़माना मेडिसिन का नाम है स्टाफी सगेरिया। जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है और वो इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस मेडिसिन को स्टाफी सगेरिया को सुबह दोपहर शाम 30 ताकत में दो दो कतरे इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद अगर कोई बंदा ये समझे कि मुझे नींद का गलबा आ रहा है, थकावट सुस्ती ज़्यादा महसूस होती है, ये बात बंदों को आदत होती है, तो अगर ये अलामत हो तो स्टाफी सगेरिया 30 इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। अगर किसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा हसास हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाए, जल्दी आ जाए, तो स्टाफिस के एरिया से ये मसला हल हो जाएगा। 30 ताक सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। याद रखें, तेज़ धार आला से अगर कोई ज़ख़म हो जाए जिसम में कहीं भी, तो स्टाफिस के एरिया उसके जो बाद असरात हैं यानी दर्दें वगैरह, उसको ये कवर कर देगी। 30 ताक सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएँ। अगर किसी को बार बार गुहांजनी यानी बदरुकी निकला करे, स्टाफिस गेरिया CM की एक खुराक से ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई ये कहे कि आँखों से गर्मी निकलती है और उससे आने के शीशे धुंधला जाते हैं, तो स्टाफिस गेरिया 30 बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। ये बात भी याद रखें, अगर कोई बच्चा बड़ा ही बद मिजाज हो, रोए चीखे चीज़ें लेने के लिए रोए, मगर जब चीज़ें दी जाएँ तो इनकार कर दे, लेने से इनकार कर दे, तो उसकी मेडिसिन स्टाफिस गेरिया है 30, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। अगर किसी के जहन के अंदर हर वक्त जिनसी ख्यालात चलते रहें, जिनसी ख्वाहिशात का जुनून तारी हो, तो स्टाफिस गेरिया इस मसले का हल कर देगी। 30 ताक सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएँ। मुश्तजनी के बाद जो हालतें होती हैं, आँखों के नीचे हल्के, चेहरा मरझाया हुआ, कमर में दर्द, जिनसी असाबी कमज़ोरी वगैरह, इन सब के लिए मेडिसिन सोना है स्टाफी सगेरिया 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएँ। याद रखें, पेशाब करने के बाद भी अगर ये एहसास हो कि कोई पेशाब का कतरा बाकी है, तो स्टाफिस गेरिया इस कैफियत को इंशाल्लाह ख़त्म कर देगी। 30 ताक सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। याद रखें, छोटे दूध पीते बच्चों के अफारा यानी उनको फारा हो जाता है, पेट फूल जाता है और दर्द भी होती है, तो उसके लिए स्टाफिस गेरिया बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएँ। अगर किसी के दांत काले बुरबरे आम तौर पर बच्चों के होते हैं, राल बहती हो, मसूड़ों से खून निकलता हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है स्टाफिस गेरिया, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। एक बड़ी इसकी अच्छी अलामत है, औरतों के जो मखसूस अयाम होते हैं उनके दौरान अगर किसी औरत को दांत में दर्द हो, यानी मखसूस उन दिनों के अंदर हो सिर्फ, तो स्टाफिस गेरिया इस कैफियत को ख़त्म कर देगी। सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएँ। किसी भी ऑपरेशन यानी किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो, लेकिन शर्त यह है कि वो तेज़ धार आले से ऑपरेशन किया गया हो, तो उसकी वजह से जो दर्दें मसले वगैरह बनते हैं, उसके लिए बड़ी शाफी दुआ है स्टाफिस गेरिया 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। आप पाकिस्तानी 30 ताकत लें मसूद कंपनी की, तो वो 100 के आगे पीछे आएगी। अगर जर्मन की लेंगे तो वो 350 आगे पीछे आएगी। दोनों का रिज़ल्ट ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।